हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवं सर और मैं हूँ आकाश शर्मा आज आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय जिसके अंतर्गत हम आपको मानव के ब्रेन से संबंधित हर एक चीज़ के बारे में और जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनस होंगे जो आपके ए एम डिप्लोमा हो चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हुए हैं या फिर आप टेंथ क्लास में हो तो इन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप इस वीडियो को लगातार और लास्ट तक ज़रूर देखना ठीक है मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बस मैं आपको हर एक प्रश्न को करने का तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ इंपोर्टेंट ट्रिप सॉरी ट्रिक वगैरह होंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम से संबंधित बहुत काम आएंगे ठीक है चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ कि प्रकाशन वर्तन गति के अंतर्गत पौधे के कौन सा कौन सा आता है ठीक है तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्ररोह ऑप्शन बी पत्तियां ऑप्शन सी जड़ें या ऑप्शन डी ए व एवं बी दोनों तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी प्रश्न में ठीक है किसी भी प्रश्न में ए और बी दोनों या फिर आ, ये सभी है ना अगर आपको इस तरीके के ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिखाई देता है तो मैं आपको बता रहा हूँ नाइन्टी नाइन परसेंट जो आपका आंसर होगा वो वही होगा उसी तरीके से तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा आंसर होगा पहले का डी ठीक है ए व बी दोनों दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दूसरा प्रश्न हमारा है निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सिन है तो सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सिन जो होगा वो आपको बताना है कि कौन सा है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल होगा क्या इंडोल ब्यूटारिक पायरुविक अम्ल होगा इंडोल एसिडिक अम्ल होगा या फिनाइल एसिडिक अम्ल होगा तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो रहेगा हमारा इंडोल एसिडिक एसिड एसेट जिसको हम आई ए, ए ए बोलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं निम्न में कौन पादप हार्मोन कोश का दीर्घीकरण एवं विभाजन में मदद करता है तो कौन सा मदद करेगा आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑक्सिन करेगा क्या जिब्रेलिन करेगा साइटोकाइनिन करेगा या फिर आंसर डी ये सभी तो जैसा कि अभी मैं जस्ट पहले आपको बता चुका था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर आपको ए बी दोनों ए सी दोनों या फिर आपको ये सभी इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो इसके होने के चांसेस आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है ना मैं ये नहीं कह रहा कि हंड्रेड परसेंट होगा लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नाइन्टी नाइन परसेंट जरूर होगा ठीक है आइए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है ठीक है तो हमारे पास चार ऑप्शन है पहला है शेरीविलम सेविलम जो होता है इसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं दूसरा है सेरीब्रम से सेरी को हम अग्र मस्तिष्क बोल देते हैं ठीक है ना या प्रमस्तिष्क भी हम इसको बोलते हैं तीसरा है थायराइड तो देखो थायराइड जो है ये ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगली है डी पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये हमारे ब्रेन के अंदर मिल जाती है कहाँ मिलेगी ब्रेन के अंदर मिलेगी ठीक है इससे अनेक प्रकार की हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण बनाकर रखेंगे इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं ठीक है सबसे छोटी भी होती है तो हमारा ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन था कि ऐच्छक पेशियों का नियंत्रण करेगा कौन तो बताएंगे शेरी बेलम करेगा सॉरी शेरीभ्रम करेगा और शेरीभ्रम किसको बोलते हैं जैसे मान लो ये हमारा फेस है ये आपकी आंखें हैं ये है तो शेरीभ्रम जो आगे वाला जो आपका पार्ट है ये आगे वाला जो मस्तिष्क है ये वाला मस्तिष्क कहलाता है आपका शेरी ठीक है ना आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शरीर का शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है मतलब आपका जो पूरे बॉडी टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर को मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करेगा क्या पीयूष ग्रंथि करेगी क्या शेरी बेलम करेगा क्या स्पाइनल कॉर्ड करेगा या हाइपोथेलिमस ठीक है तो देखो पीयूष ग्रंथी जो होती है ना पीयूष ग्रंथी से हार्मोन निकलेंगे जो शरीर के अन्य भागों को नियंत्रण करने का, का काम करेंगे और शेरी जो होता है ये शरीर पर शरीर पर वो संतुलन बनाने का या उठने बैठने जागने नाचने को कंट्रोल करने का मतलब शरीर के संतुलन को कंट्रोल करने का काम का सेरिबेलम का होता है अगर हम स्पाइनल कोड की बात करें तो हमारे शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम हमारा स्पाइनल कोड करेगा और तापक्रम की बात करें तो इसको करेगा हमारा हाइपोथेलिमस तो पाँचवें का जो आंसर आएगा वो होगा हाइपोथेलिमस तो देखिए मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको लॉजिक भी बताते चल रहा हूँ जो आप हमारे वीडियो में सुनी रहे होंगे आप इस वीडियो को मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ इस वीडियो को लगभग दो बार जरूर देखना ठीक है दो बार देखना है और ये वीडियो अपलोड होगी आपकी ग्यारह बजे एक ग्यारह बजे देख लेना और एक नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे कोई भी टाइम आप देख सकते हैं लेकिन देखना दो बार ही जिससे हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ सके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मानव में मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र माना जाता है वो माना जाता है शहरी भ्रम को ठीक है शहरी विलम्ब जो होता है ये नियंत्रित करता है हमारे शरीर के संतुलन को स्पाइनल कॉर्ड मैंने प्रतिवर्ती क्रिया बता दिया हाइपोथिलेमस जो है वो भी मैंने बता दिया शरीर शरीर में ताप नियंत्रण करने का काम हाइपोथिलेमस करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन करेगा तो बताएंगे ंद्रिय पाली करेंगी कौन करेंगी ग्रहणेंद्रिय पाली नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसमें गर्भवती होने का प्रमाण देता है तो देखिए मूत्र में कौन सा हार्मोन आएगा जिसके कारण जैसे आपने देखा होगा कि इस टाइप की प्रेगनेंसी किट होती हैं ठीक है इसमें यहाँ पर मूत्र डाला जाता है और यहाँ पर एक लाइन हो तो नेगेटिव दो लाइन हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब दो लाइन हो तो लेडीज प्रेग्नेंट है अगर एक लाइन हो तो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं है एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसा होता क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके अपरा से अपरा को हम प्लेसेंटा बोलते हैं उसके अपरा से एक हारमोन निकलता है जिसको हुमेन कोरियोन गडोट्रोपिन बोला जाता है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं एच सी जी एस हार्मोन तभी निकलता है जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है ठीक है तो इसका एट का आंसर क्या आएगा ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंगर हेंस की दीपिकाएं में कौन सी कोशिका पाई जाती है तो लेंगर हेंस की जो दीपिकाएं होती हैं ये किस में मिलती हैं ये मिलेंगी आपको में कहाँ मिलेंगी अग्नाशय में मिलेंगी अग्नाशय को पेनग्रियास बोलते हैं ठीक है अग्नाशय मिलेंगी और अग्नाशय जो होता है उसको हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं वैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि मानी जाती है जो पत्ती के आकार की होती है उसके अंदर एल्फा सेल बीटा सेल और गामा सेल ठीक है गामा बोल देते हैं या फिर कभी कभी हम डेल्टा बोल देते हैं ये तीनों कोशिकाएं उसके अंदर पाई जाती हैं तो हमारा आंसर होगा ये सभी तो देखो आपको कोई भी डाउट ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर को नहीं बता रहा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं जिसके कारण आपका कोई भी जो डाउट है वो डाउट आपका ना रहे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतः है तो देखो जैसा मैंने अभी बोला था कि पेनक्रियास जो होती है इसमें अंत्यश्रावी भाग और दो वही श्रावी भाग दोनों भाग होते हैं कौन से होंगे दोनों भाग होंगे जब इसमें दोनों भाग होंगे तो वही श्रावी भाग जो होता है वो एंजाइम्स को रिलीज करेगा जिसको हम अग्नाशय रस बोलते हैं ठीक है आ, अगली बात करें हम कि अंत्यश्रावी भाग और अंत्यश्रावी भाग जो होता है उससे हार्मोन्स निकलते हैं जैसा कि आपने देखा था एल्फा सेल बीटा सेल और डेल्टा सेल ठीक है और अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग होता है तो आप कहेंगे सिर्फ एक परसेंट भाग Clear? अगला है मेरु रज्जु की रक्षा करती है कौन करेगा तो आपको पता होगा कि इस तरीके से हमारा मस्तिष्क है यहाँ से स्पाइनकोड निकली जाती है तो मस्तिष्क को सुरक्षित करने का काम करता है क्रेनियम कौन करेगा क्रेनियम और अगर बात करें स्पाइनल कोड की तो स्पाइनल कोड को नियंत्रित करता है हमारा कशेरुक दंड तो ग्यारहवें का आंसर आएगा आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है कौन करेगा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण देखो चैप्टर का नाम भी नियंत्रण एवं समन्वय है तो यहाँ पर रसायनों द्वारा और तंत्र का द्वारा आंसर आएगा हमारा सी ए व बी दोनों तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ए भी दोनों आपको दिखाई देते हैं तो आप उसे टेक कर दीजिए आपका आंसर वही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है तो देखो थाइमस ग्रंथि जो होती है ये होती है हृदय के पास थायराइड ग्रंथि जो होती है ये होती है हमारे गले में भ्रष्ट उदर गुहा में होते हैं और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसको हम आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं क्या बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं और इससे निकलने वाले एंजाम को हम आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं या आपातकालीन हाँ हाँ आपातकालीन हार्मोन ही बोलेंगे उसको तो ये एड्रिनल ग्रंथि जो होती है रक्तचाप रक्तचाप को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम ये करती है नेक्स्ट है निम्न में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है मिठाई देखकर मुंह में पानी आना छींक का आना आंखों का झपकना ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो आएगा इनमें से सभी ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अगला प्रश्न है हमारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है कौन रखेगा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित तो जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि इंसुलिन हार्मोन कौन सा हार्मोन इंसुलिन हार्मोन ये रहा इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है रक्त में तो उस समय ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है जिसके कारण एक रोग होता है जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेटिलस तो मधुमेह बीमारी जो होती है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो देखो क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे स्नेप्स मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दो न्यूरॉन है एक न्यूरॉन ये एक न्यूरॉन ये इन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है उस स्थान को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं सॉरी स्नेप्स बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो देखिए पहला है ऑक्सीजन हार्मोन ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन होता है जिवरेलियन हार्मोन पौधे की लंबाई को बढ़ाता है साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है कोश का विभाजन करने के लिए आवश्यक होता है लेकिन एथिलिन हार्मोन जो होता है सी टू एच फोर ये गैसीय प्रकृति का हार्मोन होता है जो पौधे में फलों को पकाने के लिए आवश्यक माना जाता है तो आंसर आएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन इसे मास्टर मास्टरगंधी भी कहते हैं किसको बोलेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि को इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं जो कि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है ठीक है अगला है बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है तो बताएंगे शरीब्रम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है एंड्रोजन है एंड्रोजन है तो एंड्रोजन क्या है नरलिंग हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन पाचक रस या पैराथाइराइड हार्मोन तो देखो एंड्रोजन जो होता है ये होता है नरलिंग हार्मोन और इसके अंतर्गत टेस्ट एस्ट्रोजन हारमोन आता है स्त्रीलिंग हार्मोन उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन क्या बोलेंगे उसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलेंगे ठीक है अगली बात करते हैं पाचक रस तो जो भोजन को पचाते हैं वो पाचक रस होते हैं और पैराथायर हार्मोन को हम पी बोलते हैं जो शरीर के अंदर कैल्शियम वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है तो ट्वेंटी का आंसर आएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन हारमोन श्रावित होता है कहाँ से निकलेगा तो हारमोन निकलता है अंतः श्रावी ग्रंथियों से ठीक है वही श्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं इनसे निकलते हैं एंजाइम्स हो गया तेल वगैरह हो गए दूध वगैरह हो गया ये निकलते हैं नलका ग्रंथी नलका ग्रंथि जो होती है वही श्रावी ग्रंथि को ही बोला जाता है और अंतः श्रावी ग्रंथि जो होती हैं उनमें नलकाएँ नहीं होती उनको नलका विहीन बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिका कोशिका के मध्य स्थान को क्या बोलेंगे स्नेप्स बोलेंगे ठीक है अगला हमारे समाज में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा तंत्र का द्वारा रसायन द्वारा या तंत्रिका एवं रसायन द्वारा दोनों के द्वारा तो आंसर आएगा सी दोनों वाला ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है मुझे लग रहा है हर व्यक्ति कर लेगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है तो देखो इंसुलिन जंतु में मिलता है थायरॉक्सिन थायराइड से निकलेगा ये भी जंतु में है एस्ट्रोजन स्त्रियों हो में होता है इसको स्त्री हार्मोन बोलते हैं ये भी मतलब बोलेंगे तो जंतुओं में है लेकिन साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये पादपों में होता है तो उसने पादप हार्मोन पूछा है तो पादप हार्मोन होगा साइटोकाइनिन ठीक है आइए अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है मतलब क्या काम करता है आपका दिमाग आपका दिमाग क्या सोचने का काम करता है तो आप कहेंगे जी हाँ करता है आपका दिमाग क्या हृदय स्पंदल मतलब हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का काम करता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करता है शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है तो आप कहेंगे करता है तो आंसर आएगा इनमें से सभी और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सभी दिखाई दे तो नाइनटी नाइन परसेंट तो ठीक है ये एक परसेंट आप दिमाग लगा लेना आप आगे बढ़ते हैं मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में से कौन अंत्यश्रावी ग्रंथि नहीं है आपको बता दें जब भी आप कोई प्रश्न पढ़ें तो प्रश्नों के साथ साथ पेन या पेंसिल हो तो क्वेश्चंस को नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करते हुए जाना इससे फायदा ये होगा कि आपकी कोई भी लाइन कोई भी शब्द नहीं छूटेगा और लास्ट में आपको जो नहीं ये दिखाई दे रहा है अगर आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आपको दिखाई नहीं देगा और ऑप्शन जो होगा वो पहला ही ऑप्शन ऐसा देंगे जिसके कारण आप गलत कर दें कभी भी ऑब्जेक्टिव करना हो क्वेश्चंस तो ये वाली बात तो ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ही सतर्कता से बहुत ही एक एक शब्द को समझते हुए तब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी काम शैतान का काम होता है जे आपको सब लोग बताते होंगे जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखिए समझदारी से काम लीजिए और आंसर सही करिए कौन सी ग्रंथि नहीं है तो हमारी जो यकृत है ये यकृत जोता है अंतरश्राविक ग्रंथि नहीं है थायराइड पिटरी एडिनल ये सभी अंतर श्राविक ग्रंथियाँ होती हैं है। इन इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज़ इनसीपीडस रोग होता है तो डायबिटीज इनसीपीडस रोग होता है भाई इसके द्वारा भासोप्रेसिन तो देखो बासोप्रेसिन नहीं होती बेसोप्रेसिन होता है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेसोप्रेसिन होती है हम इसको ए डी एच हारमोन भी बोलते हैं एंटीडाई यूरेटिक हारमोन इस हारमोन की कमी से इन हा, इस हारमोन की कमी से पुरुषों में या फिर मनुष्य में मधु में इंसीपीडस रोग हो जाता है जिसके कारण वो मूत्र नलिकाओं से जल को अवशोषित नहीं कर पाते जिसके कारण उनका जो मूत्र है अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है और एक दिन में कम से कम पांच से लेकर पंद्रह लीटर तक वो जल को उत्सर्जित करते हैं तो आंसर आपको पता चल गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पतले सा सहारे के चारों ओर टेंड्रिल का लिपट जाना कैसी क्रिया है तो देखो टेंड्रिल जो होता है आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की संरचना बेल देखिए ना बेल बेल में आगे का जो भाग होता है कुछ इस तरीके का होता है ठीक है तो ये कहेगा अनुकुंचन संचलन कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोगेटा से क्या नहीं नियंत्रित होता नहीं पूछा है उसने मैंने बार बार बोला है कि प्रश्नों को पूरा पढ़िए और नहीं पर विशेषकर ध्यान ज़रूर दीजिए ठीक है तो इसका है खांसना हाँ जी मूत्र त्यागना ठीक है भोजन निकलना ठीक है हाथों का परिचालन तो देखो हाथों का परिचालन होता है आप बोल सकते हैं ऐच्छिक क्रिया और मेडुला ओब्लोगेटा जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं पर अपना कंट्रोल बनाकर रखता है खांसना मूत्र त्यागना भोजन करना ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं बुढ़ापा इनमें से बुढ़ापा इनमें से किसके क्रमश हास होने के कारण होता है तो आप बताएंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है तितली के आकार की हृदय के पास पाई जाती है इसकी विशेषता होती है कि पहले इसका आकार बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है और लास्ट में गायब हो जाती है ये थाइमस ग्रंथि जो होती है इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए संक्रमण के लिए उनसे बचाने का काम करता है और आपको बुढ़ापा नहीं आने देता लेकिन जैसे जैसे इसका हाथ सोना शुरू हो जाता है वैसे वैसे आपके शरीर में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है और आपके शरीर की जो क्रियाएँ वो धीमी होना शुरू हो जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एप्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है क्या ऑक्सीजन की तरह है क्या जिब्रेन की तरह है साइटोकाइन की तरह या वृद्धि रोधक की तरह है तो आंसर आएगा एप्सिसिक अम्ल और एथिलीन ये दोनों ही वृद्धि रोधक की तरह काम करते हैं ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं जड़ों में कैसी वृद्धि होती है ये बताना है आपको तो देखो जड़ें जो होती हैं ये कैसी होती हैं कैसी होती हैं सोचना है विचार करना है मुझे तब बताऊंगा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं जड़ें नहीं जड़ भी नीचे होती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगता है ठीक है धनात्मक आना चाहिए और यहाँ दे रखा है ऋणात्मक तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा धनात्मक प्रकाशानुवर्तनी तो देखो धनात्मक प्रकाशानुवर्तनी तो जड़ें जाती हैं नीचे ठीक है और प्रकाश जाता है ऊपर तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा लेकिन यहाँ दे रखा है धनात्मक तो ऑप्शन ये भी गलत है आइए तीसरे ऑप्शन के पास चलते हैं धनात्मक जलानुवर्ती तो जो जड़ें होती हैं जल के ओर मुड़ जाती हैं ठीक है मैं आपको ये वाली बात बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास ये पात्र है यहाँ पर मैंने कोई पौधा लगा दिया है ये पौधे की जड़ें हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर बी यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया तो यहाँ की भूमि नम हो जाएगी यहाँ की शुष्क रहेगी तो जड़ें जो होती हैं जल की ओर गति करती हैं उसे बोलते हैं जलानुवर्तन तो आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा सी आंसर ठीक है ये सभी मत मार देना अब एक परसेंट दिमाग उसने लगवा लिया ठीक है आपको एक परसेंट भी दिमाग लगाना आंसर आएगा सी बत्तीस का बीज रहित पादपों के उत्पादन में सहायक होते हैं कौन सहायक होंगे साइटोकाइनिन ऑक्सीन जिब्रेलिन या जिब्रेलिन ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों तो आप बताएंगे ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों बीज रहित पौधों के उत्पादन का मतलब ये कहना चाहता है अनिश्चेक फलन अनिशेक फलन के लिए ऑक्सीन हार्मोन और जेवरलिन हार्मोन ये दोनों ही हार्मोन जिम्मेदार होते हैं जब बिना निशेषण के बीज का निर्माण हो जब बिना निशेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे अनिश्चित फलन कहा जाता है और उन फलों में बीज नहीं होते ये वाली बात ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्रोजन हार्मोन श्रावित होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा वो निकलेगा अंडाशय से ठीक है ब्रेसट से निकलता है एंड्रोजन लेंगरे की दीपिकाओं से इंसुलिन वगैरह निकलता है थायराइड से थायरॉक्सिड निकलेगा तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए सॉरी 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 ए नहीं आएगा ए एस्टोजन है तो अंडा से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इनमें से कौन वृद्धि रोधक पदार्थ है तो ध्यान रखिएगा जिव्रिलिन साइटोकाइन और ऑक्सीजन ये वृद्धि कारक हैं जबकि एपसिसिक अम्ल एपसिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है ठीक है थर्टी फाइव क्वेश्चन हम कर चुके हैं लॉजिक भी मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ साथ के साथ में तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो आइए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ जी आ गया हमारा नया प्रश्न इनमें से किसके छिड़का छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है तो वो है वही जिवलिन हार्मोन अगला है इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का निर्धारण करता है तो कैल्शियम की अगर बात आए तो वो आएगा भाई पैरा हार्मोन थर्टी सेवन का डी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है नाटापन को हम बोनापन भी बोल देते हैं और बोनापन तब आएगा जब वृद्धि हार्मोन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी ठीक है शरीर का तापक्रम नियंत्रण केंद्र देखो ये वाला प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है ये बार बार पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट वाले दिक्कत कर रहे हैं हाइपोथिल होगा भाई इसका आंसर नेक्स्ट चालीसवा प्रश्न देखिएगा थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है इन लोगों ने दे रखा है तो कैल्शियम की मात्रा का जो नियंत्रण होना चाहिए वो होना चाहिए सीटी हार्मोन के द्वारा अब आप अपना दिमाग लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि सीटी की फुल फॉर्म क्या है ठीक है सीटी की फुल फॉर्म मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से नरलिंग हार्मोन होता है कौन सा होता है तो चार आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आप बोलेंगे कि एंड्रोजन हार्मोन को नरलिंग हार्मोन बोलेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्री हार्मोन बोलेंगे ठीक है आइए अगला है ऑक्सीन है क्या है ऑक्सीन तो बोलेंगे ऑक्सीजन जो होता है एक ऑक्सीजन जो होता है एक क्या होता है हार्मोन होता है ठीक है अगला है हमारा मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं आप लोग भी एग्जाम टाइम में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको प्रश्न दिखाई दे ऑब्जेक्टिव का तो उसमें नहीं आपको ज़रूर देखना है नहीं आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज के समय में पॉजिटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं पूछी जाती हैं तो नेगेटिव चीज़ें यहाँ बार बार आपने देखो मेरे मैंने आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आप लोग खुद देख रहे हैं कि वो नहीं वाले प्रश्न कितने ज़्यादा दे रहा है बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो वो इसलिए क्योंकि जब स्टूडेंट होता है जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है तो उसका जो दिमाग होता है उसके दिमाग में इतनी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं इतना घबराया हुआ बच्चा होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा है वो कौन सा ऑप्शन लगा रहा है मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसके दिमाग पर आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठें तो पहला रूल समझ जाइएगा कि आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल बनाकर रखना है और अपने दिमाग को अपने बस में रखना है दिमाग को हावी मत होने देना क्योंकि अगर दिमाग हावी हो गया तो आपके जो क्वेश्चंस आते होंगे आपको वो भी आप गलत कर सकते हो लेकिन जो क्वेश्चंस आप करना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा रूल यही है कि माइंड आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना चाहिए उसके बाद आप आंसर देंगे तो मैं बता रहा हूँ आपका आंसर ज़रूर सही होगा ठीक है तो मनुष्य में अगनाशक ग्रंथि से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता ग्लूकेगोन इंसुलिन गैस्ट्रिन ये तो निकलते हैं पर सी हार्मोन नहीं निकलता नेक्स्ट है मनुष्य में मादा जनन अंग से निम्न विकल्पों में से किस हार्मोन का श्राप होता है ठीक है तो देखो ये जो प्रश्न है मुझे लग रहा है ये प्रश्न ही गलत है मनुष्य में मादा जनन अंग से निम्न विकल्पों में से किस हार्मोन का श्राप होता है तो देखो इसका भी होता है इसका भी होता है इसका भी होता है हो ठीक है लेकिन इसको आंसर क्या बनाना चाहिए था यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था कि कौन सा नहीं होता तो आप बोल दे टी एस एच ठीक है ना क्या बोलते टी एस एच बोलते थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन चलिए तो इसका जो आंसर है यहाँ पर नहीं आएगा वैसे इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन ऑप्शन तो ठीक है लेकिन क्वेश्चन गलत पूछ लिया इन्होंने आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ग्वाइटर घेंगा या गलकंड गोइटर घेगा या गलकंड की उत्पत्ति कैसे होती है जब आपके नमक में आयोडीन की कमी होती है तो गहंगा हो जाता है और आयोडीन जो होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन के निकलने के लिए हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो निकलता है थायराइड ग्रंथि से ही और थायराइड ग्रंथि जो होती है घेंगा रोग में स्वयं फूल जाती है इसलिए उसको गलकंड रोग बोलते हैं ठीक है तो आयोडीन की कमी से गलकंड होता है अगला मनुष्य में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है तो देखो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है जो दूध उत्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं तो देखो अगर बात करें क्रेमियम तंत्रिका की तो वो मिलते हैं बारह जोड़ी अगर बात करें स्पाइनल तंत्रिका की तो वो होती है इकतीस जोड़ी ठीक है तो देखो यहाँ पर बारह जोड़ी आएगा और यहाँ पर इकतीस जोड़ी आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें जो हो जाती हैं अपने आप बंद हो जाती हैं ये कैसी प्रक्रिया होती है तो आप बताएंगे ये साधारण प्रतिवर्ती क्रिया होती है कैसी क्रिया साधारण प्रत्यावर्ती क्रिया है ये ठीक है अगला पौधों के जड़ों पौधों के जड़ों डेडेडेस गुरुत्वानुवर्ती होते हैं जबकि तना गुरुत्वानुवर्ती होता है चलो इसका आंसर देखते हैं यहाँ से समझना ऐसे प्रश्न को जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना कॉन्सेप्ट होते हैं इनको करने के तो देखो पौधे की जड़ पूछ रहा है वो ठीक है जड़ जो होगी गुरुत्वानुवर्ती जड़ नीचे जाती है हाँ जाती है ठीक है ना जड़ें नीचे जाती हैं जाती हैं गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे लगता है हाँ लगता है तो धनात्मक हो जाएगी पहला ऑप्शन धनात्मक आएगा ये वाली बात मेरे दिमाग में आनी चाहिए दूसरा तना गुरुत्वानुवर्ती देखो जो तना होता है वो जाता है ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है नीचे तो इसका मतलब यहाँ पर जो आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्टी नाइन का ए अगला है मनुष्य के मस्तिष्क में गायरस पाया जाता है इसका आंसर आप लोग खुद देंगे ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क का है क्योंकि एक आध होमवर्क तो आप लोगों को भी मिलना चाहिए ना जिससे आप लोग भी कॉपी को या फिर एनसीईआरटी को या अपना खुद का दिमाग लगा सकें सारा का सारा दिमाग आप हम बड़ी लगवा लेंगे तो भाई आपको मजा ज़्यादा नहीं आएगा खुद के दिमाग को भी आप थोड़ा सा विकसित कीजिए तो आपका पचासवा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है यहाँ पर आप इसका स्क्रीन ले लीजिए ये आप स्क्रीन ले सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है ठीक है ना चलिए आपको आ, कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमें इस प्रश्न में दिक्कत है मैं उसको समझा दूंगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि पचासवीं का आंसर क्या होगा उसके साथ साथ में आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज़ में दिक्कत आती हो कि कॉपी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो जो आपके अच्छा के अनुसार मैं बोल सकता मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे याद ना कर पा रहे हो या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स आती हो तो उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप सभी लोगों के जेनअन कमेंट होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो किस किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप अपने हिसाब से मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं भी देख सकूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं वो क्या देखना पसंद करते हैं तो आप हमें बताइएगा जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स से, सेम होंगे कि आप लोग अगला टॉपिक पर क्या बनाना चाहते हो क्या नोट्स चाहिए आप लोगों को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए मतलब अपनी राय भी तो दिया करो यार हो अपनी राय जब दोगे तो हमें भी लगेगा कि भाई हाँ आप लोग हमसे अच्छी तरीके से जुड़े हुए हो ठीक है चलिए मैं जाते जाते बस आप लोग सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोगों को दो बार देखना है वीडियो पूरी देखने के बाद लाइक करनी है उसके बाद में चैनल सब्सक्राइब मुझे पता है आप सभी लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं लेकिन आप लोग कमेंट सब लोग नहीं करते तो कमेंट आप सब लोगों को करना है बताना है कि कौन से प्रश्न में आपको दिक्कत आई है कौन सा प्रश्न अच्छा लगा प्रश्न में कौन से में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ ना कुछ तो बोलो यार आप नहीं वो आप देखो हम लोग आपस आप में वार्तालाप आप नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता हमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से बात करें और कैसे कर पाएंगे लाइव तो चल नहीं रहा तो आप कमेंट लिख दो ना भाई चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली है वो आती रहेगी उससे उससे पहले मैं बस आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे इस चैनल पर एवन सर पर स्टडी टिप्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं आप उन्हें देख सकते हैं स्टडी मोटिवेशन की पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ फैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी की वीडियो हैं और एम की ए की बहुत सारे वीडियो हैं तो इनको देखो ना यार एक बार बताओ आप लोग चलो स्टडी से देख चुके हो बाकी की बहुत सारी प्ले लिस्ट हैं कौन देखेगा आप लोगों के लिए तो बढ़ाई हैं जाइए चलिए अभी देख कर आओ चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाटा बाय बाय सी यू